Bounds. तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया एकदम मस्त। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आज हम लोग आपके लिए लेकर आ गए एसिड बेसिस एंड सॉल्ट ऑफ क्लास 10th आईसीएसई पार्ट 2। गाइस पार्ट 1 आई है ऑलरेडी अपडेटेड अपलोडेड। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिक ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट एंड व्हाट इज एसिड। वी विल फुल डिटेल द एसिड, व्हाट इज एसिड। हमने एसिड का फुल डिटेल किया था पार्ट 1 में। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप लोग को इस वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगी। देखिए ध्यान से देखिए एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। एसिड हमने समझ लिया था क्या हुआ था, बेसिस क्या है ये समझेंगे हम लोग। फिर तीसरा पार्ट जो आएगा उसमें समझेंगे सॉल्ट का। ध्यान से देखिए गाइस, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ आप ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखेंगे आपका बेसिस का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। सो गाइस अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं बेसिस क्या होता है। दे आर मेटेलिक ऑक्साइड। ध्यान से देखिए गाइस, दे आर मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड एंड नॉन मेटेलिक अमोनिया। जो बेसिस होते हैं या तो मेटेलिक और मेटल का ऑक्साइड होगा या मेटल का हाइड्रोक्साइड होगा या नॉन मेटल का अमोनिया होगा। देखिए मेटेलिक ऑक्साइड मतलब यानी वो जो होता है ऑक्साइड में वो आता है, हाइड्रोक्साइड में OH माइनस, नॉन मेटेलिक अमोनिया में भी आता है। तो देखिए बेसिस दे आर मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड एंड नॉन मेटेलिक अमोनिया। ओके इतना समझ में आया। दे आर मेटेलिक ऑक्साइड या तो मेटेलिक ऑक्साइड होंगे या फिर मेटेलिक हाइड्रोक्साइड होंगे या तो नॉन मेटेलिक अमोनिया। देन उसके बाद आता है ये तीन जो है दे रिएक्ट विद एसिड। ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं जिसमें किससे, हाइड्रोनियम आयन से। ये क्या बनाते हैं रिएक्ट करने के बाद, सॉल्ट एंड वाटर। ओके आपको इतना समझ में आया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। Now we will discuss about the classification of base. तो classification of base यहाँ पर हमारे सिलेबस में 4 से 5 टाइप के classification है bases के। तो जो हमारे पास पहला classification आता है वो है, देखिए ध्यान से देखिएगा, on the strength of, देखिए ध्यान से, on the basis of strength, on the basis of strength मतलब कि strength के base पर हमारे पास, स्ट्रेंथ के बेसिस पर हमारे पास बेस होते हैं दो तरह के। पहला होता है स्ट्रॉन्ग, अभी मैं आपको सब समझाऊंगा चिंता मत करिए, स्ट्रॉन्ग बेस। दूसरा होता है वीक बेस। ओके इतना समझ में आया। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ उसके टाइप, स्ट्रेंथ के बेसिस पे दो तरह के बेस होते हैं हमारे पास, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। इतना समझ में आया। अब देखिए हमारे पास बेसिसिटी क्या होती है, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन अल्कली इन एक्वस सॉल्यूशन। देखिए ये हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन है, इसमें जब बेस की जो मतलब अपने बेस का एक मॉलिक्यूल डाला वो जितना उसमें घुल जाएगा, जितना उसमें आयनाइज होगा। देखिए ध्यान से, डेफिनेशन है हमारे पास, ध्यान से देखिए, द नंबर ऑफ, देखिए इट अंडरगोस ऑलमोस्ट कंप्लीट आयनाइजेशन इन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब कि ये जब अंदर जाता है एक्वस सॉल्यूशन में जाता है तो उसका आयनाइजेशन पूरा हो जाता है, फुल आयनाइजेशन। यहाँ पर क्या होता है, आयनाइजेशन फुल होता है। ओके गाइस हमने इसके नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं, हमारे चैनल पे है, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं, सैंपल पर भी प्रोवाइड कर दिए हैं। उसके बाद आता है वीक बेस। जब ये अंदर जाता है एक्वस सॉल्यूशन में तो वहाँ पर पार्शियल आयनाइजेशन होता है। तो जो जब पार्शियली आयनाइजेशन होगा तो वहाँ पर मतलब बेस वीक हो जाएगा, और अगर फुल आयनाइजेशन हो गया तो बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इतना समझ में आया। अगर समझ में आया तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन और प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं।
तो ध्यान से देखिए, हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस। अगर हम लोग उसकी एसिडिटी पर बात करें ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी, तो हमारे पास तीन तरीके होते हैं। पहला होता है नॉन मोनोबेसिक मोनो एसिड बेस, दूसरा होता है डाई एसिड बेस, तीसरा होता है ट्राई एसिड बेस। ध्यान से देखिएगा, नाम थोड़े कंफ्यूजिंग है। मोनो एसिड बेस, डाई बेसिडेस, डाई एसिड बेस, ट्राई एसिड बेस। ओके, यहाँ पर देखिए, अब हम लोग बात करते हैं बेसिस ऑफ एसिडिटी की। एसिडिटी के बेस पर, एसिडिटी के बेस का मतलब क्या होता है? देखिए देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं, हमारे पास एक सोल्यूशन है, उसमें एक्वा सोल्यूशन, मतलब एक्वा का मतलब वाटर का सोल्यूशन है। तो वहाँ पर क्या होगा, देखिए हमारे पास एक वाटर का एक्वा सोल्यूशन है, मतलब एक्वा सोल्यूशन है। वहाँ पर अगर हमने एसिड को डाला, बेस को डाला, हमने वहाँ पर बेस के एक मॉलिक्यूल को डाला, और वो एक मॉलिक्यूल अंदर जब आयनाइज होगा, वो जितने अंदर यह आयनाइज होगा ना, मतलब ऐसे ऐसे आयनाइज होगा, आयनाइज होगा, वो जितने हाइड्रोक्सिल के आयन देगा, मतलब हाइड्रोनियम आयन जितने देगा, अगर वो एक हाइड्रोनियम आयन जितने देगा, हमने बेस के एक मॉलिक्यूल को कंटेनर में डाला जिसमें एक्वा सॉल्यूशन है, और वो अंदर जाके जितने हाइड्रोनियम आयन देगा वही होगा बेसिस ऑफ एसिडिटी। अगर वो एक हाइड्रोनियम आयन देता है तो हो जाएगा मोनोबेसिडेस, मोनो एसिड बेस। अगर वो दो हाइड्रोनियम आयन देता है तो वो हो जाएगा डाई एसिड बेस। अगर वो तीन हाइड्रोनियम आयन देगा तो वो क्या हो जाएगा? ट्राई बेस, ट्राई एसिड बेस। इतना समझ में आया? देखिए, अगर वो हमने देखिए यहाँ पर डिफिनेशन मैं आपको समझा दूँ, मैं आपको समझा सकता हूँ, लेकिन डिफिनेशन देखिए यहाँ से लिखी हुई है, द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन व्हिच कैन प्रोड्यूस पर मॉलिक्यूल ऑफ बेस। हम एक मॉलिक्यूल बेस का डालेंगे और जितने हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होंगे वही होगी उसकी एसिडिटी, बेस ऑफ एसिडिटी। देखिए, अगर एक आयन है, एक हाइड्रोनियम आयन आने से तो हो जाएगा हमारे मोनोबेसिक, दो हुए तो डाई एसिड बेस, तीन हुए तो ट्राई एसिड बेस। अब चलिए हम लोग इसके एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, मतलब कि इसकी इक्वेशन देखिए ध्यान से। नाउ तो हम लोग इसकी पहले इक्वेशन ले लेते हैं, मार्कर चेंज कर लेता हूँ। देखिए Na प्लस OH, Na प्लस होता है OH माइनस होता, तो यहाँ पर मोनोबेसिडेस, मोनो एसिड बेस का मतलब हुआ कि ये देखिए हमारे पास जब NaOH होता था, NaOH है, तो जब वो अंदर जाएगा तो वो एक हाइड्रोनियम आयन देगा। देखिए ध्यान, लिखा हुआ है एग्जांपल है हमारे पास इसका NaOH, 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 ध्यान से लिखा है NaOH, यहाँ पर इसका बेस्ट एग्जांपल है NaOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद अगर हम लोग बात करें डाई एसिड बेस की, डाई एसिड बेस का मतलब एक मॉलिक्यूल जो है, एक बेस का मॉलिक्यूल वाटर जब एक्वा सॉल्यूशन में जाएगा, दो दो हाइड्रोनियम आयन देगा, तो उसका एग्जांपल हो जाएगा हमारे पास CaOH का होल्डर, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका एग्जांपल हो जाएगा। ओके गाइस, ये समझ में आया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे होगा? देखिए यहाँ पर ये इस तरह कुछ ब्रेक होगा Ca2+OH, मतलब इसकी वैलेंसी इसमें चली जाती है, इसका इसमें, तो ये फिर जाके CaOH का होल्ड पॉइंट हो जाता है। इतना समझ में आया? उसके बाद हम लोग बात करते हैं ट्राई एसिड बेस। ट्राई एसिड बेस मतलब हमने एक मॉलिक्यूल को जब एक्वा सॉल्यूशन में डाला, तो तीन अगर तीन दे रहा है, क्या दे रहा है? तीन हाइड्रोनियम आयन दे रहा है, तो मजा हमारा हो जाएगा ट्राई एसिड बेस। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे पास AlOH होल्ड थ्राइस। देखिए Al, मुझे पता है, देखिए AlOH का होल्ड थ्राइस, AlOH का होल्ड थ्राइस मतलब एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर क्या होता है, Al होता है और OH होता है, Al की वैलेंसी होती है 3, OH का होता है 1, ये सॉरी गाइस, ये से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो AlOH का होल थ्राइस आ जाता है। इतना समझ में आया? चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्लासिफिकेशन की तरफ। ओके गाइस, तो यहाँ पर हमारा अगला क्लासिफिकेशन आता है और लास्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, मतलब कि बेस के कंपोजिशन के बेस पर हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक होता है कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट। गाइस ये लोग अपने ये आप लोग अपने आप ही समझ गए होंगे, कंसंट्रेटेड का मतलब कंसंट्रेटेड है अल्कली और डाइल्यूट। ओके, तो देखिए लेट सपोज कि हमारे पास ये था एक्वा सॉल्यूशन, उसमें हमने एक बेस का मॉलिक्यूल डाला, और वो देखिए जैसा आप लोग कभी देखे होंगे, जब आप इंक लेते हैं और इंक को आप जब एक मॉलिक्यूल उसका डालते हैं, तो अंदर वो ऐसे ऐसे कुछ हो जाता है, मतलब वो पूरे में फैल जाता है, तो वो जितने उसका कंसंट्रेशन, अगर आपने दो मॉलिक्यूल डाले तो वो ज़्यादा में फैलेगा, तो मतलब उसका कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा।
देखिए आपने अगर दो मॉलिक्यूल डाल दिए तो उतने ही वाटर में वो कलर डार्क हो जाएगा, अगर तीन डाल दिए तो और ज्यादा डार्क, चार डाल दिए तो और ज्यादा डार्क, मतलब अगर आप जितने ज्यादा जितना ज्यादा एसिड वो स्टेन डालते जाएंगे, इंक डालते जाएंगे, उतना ज्यादा उसका कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। उसी तरह अगर हम लोग एक बेस के मॉलिक्यूल को डालते हैं, हमने एक बेस का मॉलिक्यूल डाला, एक बेस का मॉलिक्यूल डाला, ये हमारा बेस का मॉलिक्यूल है, हमने एक बेस का मॉलिक्यूल डाला और यहाँ पर कंसंट्रेशन कुछ ज्यादा हो रहा है, ज्यादा कंसंट्रेशन हो रहा था हमारा कंसंट्रेटेड एल्कली, और अगर वो कम कंसंट्रेशन हो रहा है, कंसंट्रेशन कम होने का मतलब अगर कंसंट्रेशन वहाँ पर लो हुआ तो हमारा हो जाएगा डाइल्यूट एल्कली। इतना समझ में आया, अगर समझ में आया तो तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दें। चलिए इसका हम लोग इतना समझ में आया, अब हम लोग आते हैं प्रिपरेशन ऑफ, अब देखिए इसके बाद हमारा टॉपिक आता है क्या आता है, प्रिपरेशन ऑफ बेसिस, मतलब हमने ये समझ लिया कि बेस क्या होते हैं। देखिए हमने क्या समझा, हमने समझा बेस क्या होते हैं, बेस हमें पता चले क्या होता है, उसके बाद हम सोचते हैं कि टाइप इसके कितने टाइप होते हैं वो भी समझ लिया हम लोग। अब हम लोग ये सोचते हैं कि यार जो साइंटिस्ट होते हैं बनाते कैसे, सॉरी यार साइंटिस्ट कह रहा हूँ, साइंटिस्ट नहीं बनाते, जो लैब में होते हैं वो किसे कैसे बनाते हैं, तो हम लोग ये देखते हैं। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ बेसिस। ओके गाइस, तो यहाँ पर हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ बेस का पहला जो आता है, मतलब पहला टाइप फ्रॉम मेटल्स, यहाँ पे हम लोग मेटल्स से जो है बेस बनाते हैं। कैसे मेटल से बेस बनाते हैं, देखिए 2Mg है हमारे पास, देखिए हमने दो मैग्नीशियम के मॉलिक्यूल्स लिए प्लस ओ टू, 2Mg प्लस ओ टू आपने सुना होगा, तो ये हमारे पास आगे जाके क्या बन जाएगा, 2Mg। देखिए 2Mg को कैसे बनाएंगे ये हम आपको बताना चाहते हैं, Mg के दो मॉलिक्यूल्स थे, O2 के दो मॉलिक्यूल्स थे, दो दो कॉमन आ गया तो बाहर आ गया 2MgO। ओके, उसी तरह हम लोग कह सकते हैं, देखिए 2Mg प्लस O2 क्या हो गया, 2MgO। अब इसका जो दूसरा आता है, दूसरे का मतलब जो हम लोग इसकी दूसरी जॉइंट आती है कि हम लोग इसे और कैसे बना सकते हैं, तो ध्यान से देखिए, तो ये हमारे पास दूसरा एक्शन ऑफ वाटर ऑन स्ट्रीम है, हम लोग या तो वाटर मतलब वाटर वाटर होता है स्ट्रीम, दो उसका होता है वेपर का फॉर्म, तो वाटर और स्ट्रीम का जब हम लोग रिएक्शन करवाएंगे रिएक्टिव मेटल में, रिएक्टिव मतलब जो बहुत सारे रिएक्टिव मेटल होते हैं, क्या बताऊँ, हमने रिएक्टिविटी सीरीज की लर्निंग ट्रिक बना दी, आप लोग जाकर देख सकते हैं, हमारे चैनल पे अवेलेबल है। तो देखिए अगर मैं उसे बताने लगूंगा तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। देखिए एक्शन ऑफ वाटर और स्ट्रीम इन रिएक्टिव मेटल, तो रिएक्टिव मेटल में जब लोग वाटर या स्ट्रीम का स्ट्रीम से रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होगा, देखिए आप लोग जानते हैं 2Na प्लस 2H2, यहाँ पर आप लीजिए 2Na प्लस 2H2O। ओके, हमने 2Na के मॉलिक्यूल लिए और 2 वाटर के मॉलिक्यूल लिए, आगे जब ये जाएंगे यहाँ पर 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो ये 2 कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2NaH2O। ओके, क्या हो जाएगा हमारे पास 2NaH2O, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्शन ऑफ वाटर ऑन स्ट्रीम इन रिएक्टिव मेटल। उसी के बाद हमारे पास तीसरा आता है, तीसरा आप लोग ध्यान से देखिए, तो हमारे पास जो तीसरा आता है वो है बाय डबल डिकम्पोजिशन। हम लोग डबल डिकम्पोजिशन हमने ये पढ़ चुका है कि रिएक्शन कितनी तरह की होती है, हम लोग ने क्लास 9 में पढ़ा है, चैप्टर नंबर 2 है, तो आप लोग उसे भी जाकर देख सकते हैं, वो भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, 20 मिनट का वीडियो है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन वो आपको बहुत ज़्यादा स्वाइप अप करना होगा तो मैं आपकी प्लेलिस्ट बना दूंगा। नाउ यहाँ पर हमारे पास आता है बाय डबल डिकम्पोजिशन, डबल डिकम्पोजिशन से हम लोग कैसे एसिड बेस बना सकते हैं, देखिए यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, FeCl3 का मतलब यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं फेरिक क्लोराइड प्लस 3NaOH प्लस 3NaOH। तो यहाँ पर हम लोग डबल डिकम्पोजिशन करेंगे, डबल डिकम्पोजिशन क्या होता है, ये इसको डिकम्पोज कर देगा, ये इसको डिकम्पोज कर देगा, तो आखिरी में जो हमारे पास आएगा वो आएगा FeOH का होल थ्राइस। देखिए Fe की वैलेंसी होती है 3 तो, और OH की होती है 1, FeOH का होल थ्राइस, FeOH का देखिए हम आप लोगों को बताते हैं Fe और OH का हमने किस लिए करवाया, इसकी होती है 3, क्या इसकी वैलेंसी कितनी होती है 3, इसकी होती है 1, ये इससे किया गया, ये इससे, तो FeOH का होल साइज आया प्लस, उसी तरह यहाँ पर होगा देखिए Cl, अब हमारे पास क्या था Cl और Na, तो दोनों की होती है 1, 1, देखिए हम लोग आपको ये बताना चाह रहे, देखिए C
सीएल और एनए तीनों की होती है वन वन। अब यहाँ पर क्या है, सीएल भी थ्री है, यहाँ पर एनए एनए भी थ्री है, थ्री एनए प्लस थ्री थ्री सीएल प्लस थ्री एनए हो जाएगा हमारे पास थ्री एनए सीएल। ओके, तो हम लोग कुछ इस तरह एसिड बेस बना सकते हैं, प्रिपरेशन ऑफ बेस। उसके बाद आता है गाइस हमारे पास, उसके बाद है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। तो बेस की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है ये शार्प और बिटर टेस्ट के होते हैं, मतलब शार्प मतलब पतले होते हैं और बिटर कड़वे होते हैं। जैसे सोप आपने अगर कभी टेस्ट नहीं किया होगा, सोप जो आता है हमारे घर में जिससे हम लोग बनाते हैं, तो वो सोप जो होता है अगर आप उसको कभी टेस्ट करके मत देखना मत, अगर कभी कर लिया हो गलती से, मैंने एक बार किया था कभी जब हम छोटे थे तो बहुत वो कड़वा था, आप लोग मत करिएगा, वो कड़वा टेस्ट का होता है, तो वो भी बेस है एक तरह का। और आगे आता है दे चेंज रेड लिटमस टू ब्लू, जो हमारे पास रेड लिटमस होता है उसको बेस क्या करता है, ब्लू में चेंज कर देता है। ओके, रेड लिटमस किसमें चेंज कर देता है, ब्लू में। और इसकी बहुत सारी होती है जैसे दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइसिस, ये कोरोसिव होते हैं, तो ये सब हो गया। अब हम लोग आपको कुछ बेसिस के नाम बताएंगे। देखिए कुछ बेसिस के नाम, बेसिस बहुत तरह होते हैं। देखिए हम लोग दो बेस के नाम बताते हैं आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, या तो मैग्नीशियम ऑक्साइड होंगे, देखिए या तो मेटल ऑक्साइड हो सकते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड होंगे। देखिए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद बहुत सारे से जितने भी मेटल उनके उनका ऑक्साइड बना दो, हाइड्रोक्साइड बना दो, बन जाएगा आपका बेस। गाइस यहां से हमारा ये चैप्टर होता है खत्म, मतलब ये बेस का कंसेप्ट होता है खत्म। अब हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे इंडिकेटर्स की, पीएच वैल्यू और सॉल्ट, वो छोटा रहेगा तो हम लोग अगले एक वीडियो में कवर कर देंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट करना मत भूलिएगा। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।